यहाँ अगर लग ही रहा कि हम किसी भक्ति निवास में आए, ऐसा लग रहा है किसी होटल वगैरह में या फिर किसी कॉलेज के हॉस्टल में रुके हुए हैं। इसे ऊपर लो यार, देखो कर क्या रही है, देखो पूरी लटकी हुई है नीचे। मिस्टी तू पागल है, कहाँ जाना है? तो पापा तो यहीं खड़े हैं ना। अब इस पर्स को लेके जा रहा हूँ और लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, अजीब अजीब से रिएक्शन दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो यार सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं बस रेडी होने जा रहा हूँ क्योंकि आज हमारी ट्रेन है और हमें निकलना है। तो गाइज फाइनली मैं तो रेडी हो गया हूँ और रीना भी रेडी हो गई है, मंदिर जा रहे हैं दोनों, क्योंकि अभी मंदिर जाना ज़रूरी है पहले। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:05, तो पहले चलते हैं मंदिर। तो गाइज ये रहा हमारी कॉलोनी का मंदिर, सबसे पहले गेट हम ही खोल रहे हैं आज। तो गाइज ये रहा हमारी कॉलोनी का मंदिर, अभी पूजा करते हैं फिर चलते हैं घर पे सीधे। गाइज फिलहाल मंदिर से आ चुका हूँ और ये देखो यार कितनी गर्मी है, सुबह सुबह भी पूरी टी शर्ट भीग गई है और मिस्टी भी नहा धो के रेडी हो गई, अभी मिस्टी भी जा रही है। मिस्टी कहाँ पे जा रहे हो? घूमी। तो चलो यार पहले तो स्टेशन के लिए रिक्शा बुलाते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से सीधे। इसे देखो सुबह सुबह पता नहीं क्या मिल गया। तो गाइस फाइनली रिक्शा आ गया अपना और यहाँ सब रेडी भी हो गए। मिस्टी चले, ये तो बैठ के तैयार हो गई चलने के लिए, बिल्कुल रेडी। चलो मिस्टी बाय। तो गाइस स्टेशन पहुंच चुके हैं और रीना अपना बैग छोड़ के आ गई, बोलू आ रहा लेके। अभी ट्रेन में भी ज़्यादा से तब 15 मिनट करीब है, ऐसी ऐसी गलती करते हैं हमारे घर वाले, पर्स छोड़ दिया अपना। आ गया गाइस, बोलू ये लेके आ रहा पर्स। अब इस पर्स को लेके जा रहा हूँ और लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, अजीब अजीब से रिएक्शन दे रहे हैं। तो गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है अपनी और बहुत भीड़ है स्टेशन पर। सीट मिल चुकी है, ये रही सीट हमारी। जय अब मिट्टी मिट्टी चले चले, चुप हो गई है, बिल्कुल सदमा सा लग गया, पहली बार आई है, इसका रिएक्शन देखो। तो गाइस ट्रेन चल दी अपनी, जी कहाँ जा रही हो? ट्रेन। तो यार फिलहाल कर रहे हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोर से, सुबह के उठे हुए मैं तो उठाऊँ 4 बजे करीब। और साथ में हमारे खाने के लिए है साबूदाना की खिचड़ी, लौकी का हलवा और मठा, क्योंकि मेरा और रीना का फास्ट है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने फास्ट रखा नहीं है। मिस्टी की बेटी मिस्टी, मज़ा आ रहा है? मिस्टी तो एक बार सो के उठ भी गई। गुड मॉर्निंग, जग गई मिट्टी? अम्मा जग गई, अम्मा तो सो रही हैं। मिट्टी जग गई क्या कर रही है? गाइस अभी ग्वालियर पहुंचने वाले हैं और ट्रेन काफी लेट हो चुकी है और मिट्टी एक बार सो के दोबारा जग भी गई है। जग गई मिट्टी, नीचे उतर आओ, देखो कहाँ पे खड़ी हुई है मिट्टी, आ जाओ नीचे। मम्मा को परेशान ना करो, कहाँ जाना है? अभी मम्मा कभी ऊपर कहेगी अम्मा के पास जाना, कभी ऊपर कभी नीचे, यही नाटक कर रही है सबसे। मिस्टी मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ बाय। इसे ऊपर लो यार, देखो कर क्या रही है, देखो पूरी लटकी हुई है नीचे। मिस्टी तू पागल है, कहाँ जाना है? तो पापा तो यहीं खड़े हैं ना, परेशान करने में लगी पड़ी है, क्या है बताओ? अब पापा तो यहीं पे है ना, कुछ कर दे पापा आवाज है।
सो जा। नहीं। सो जा ना। तभी से खा रही है, कह रही है भूख लग रही है। देखो 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 फिर कैसे करी है। पराठे बनाएंगे तेरे लिए अभी। घूमी चल लो। कहाँ पे? मिस्टी क्या देख रही है? क्या कर रही है? बाहर क्या है? बाहर धूप है। देखो। हाँ दिखाओ। मिस्टी गाइस नेक्स्ट टाइम। अरे मम्मी के गो निकाल दिया। इसमें आपके में न्यूज़पेपर रखा होगा ना? देखो कहाँ? आपके बैग में न्यूज़पेपर होगा। इटारसी और भूख बहुत तेज़ लग रही है और अभी टाइम हो गया है फास्ट खोलने का, तो बिना प्याज लहसुन के जो मिलेगा खाएंगे यार। अभी फ़िलहाल करते हैं डिनर क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो गाइस फ़िलहाल कर रहे हैं हम लोग डिनर, अचार चूरमा और ये पूरी अचार वगैरह के साथ में। भूख बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, फास्ट था आज। चलो यार पहले डिनर कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं आगे। गाइस रात का 11 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, बस एक ये जग रही है। हाँ मालूम है, मिट्टी अकेली जगी हुई है, मेरी सीट पर बैठी है और सब सो रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं कब सोएगी ये। सो जा। नहीं सो रही। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कोपरगांव और ट्रेन है हमारी 6 घंटे लेट। रात में 1:30 बजे पहुंचने का टाइम था और सुबह 7 बजे पहुंची है, पर हमारे लिए ठीक भी है यार क्योंकि रात के टाइम में कोई और वाहन वगैरह मिलता नहीं साई खेड़ी आने के लिए। अब मिल जाएगी फिलहाल बस या ट्रेन वगैरह कुछ भी। तो यार हम लोग निकल चुके हैं साई भक्ति निवास के लिए और ये रहा ऑटो। फिलहाल हमें अपने रूम भी प्रोवाइड करा दिए और अभी हमें साई भक्ति निवास ये बैठी रही ना मिस्टी, अभी फिलहाल चलते हैं रूम में सीधे। यहाँ अगर लग ही रहा कि हम किसी भक्ति निवास में आए, ऐसा लग रहा है किसी होटल वगैरह में या फिर किसी कॉलेज के हॉस्टल में रुके हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर है हमारा रूम। चलो रूम में चलते हैं, रूम और दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा रूम है 2nd फ्लोर पे। ये देखो यार साफ सफाई देखो। और पता है ये रूम मिला है हमें सिर्फ 200 रुपये में। चलो रूम और दिखाता हूँ मैं आपको पहले। तो गाइज रूम ये है हमारा, देखो ये है वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वॉशरूम और ये 3 बेड खाली खाली। एक बेड में बालकनी का व्यू और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये है बालकनी का व्यू। So, yeah, मिस्टी की जुगाड़ हो गई। मिस्टी मजा आ गया। तो गाइस ये रूम मिला हमें 200 रुपये में, 200 रुपये पर डे के हिसाब से और 2 दिन का स्टे है हमारा यहाँ पे, तो मतलब 400 रुपये। सही है यार, और खाना पीना सब कुछ यहीं पर। तो चलो यार फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ बने रहना इस ब्लॉग पर जो नेक्स्ट आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। और अभी मैं आपको मंदिर वगैरह भी ले चलूँगा, दिखाऊंगा बाहर से कैसे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।